हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी को आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें कि आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग सारे लोग, थैंक यू इंतज़ार करने के लिए। और आई होप हमने समय पर ही शुरू कर दिया हुआ है सेशन को। सो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और फिर शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सेशन। सो वेलकम टू IFS। आप सभी को IFS की तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और आई होप जो भी आपका इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अनाउंसमेंट कई दिनों से हो चुकी थी और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा था आप सभी का। रिस्पॉन्स को देख करके मैं भी खुद इस उम्मीद में था कि कितना जल्दी आप सभी के सामने लाइव जा सकूं। सो थैंक यू फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और धन्यवाद इंतज़ार करने के लिए। अप्रोक्सीमेट 237 लोगों को मैं देख पा रहा हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, और अगर मैं देखूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर तो अप्रोक्सीमेट सेम नंबर है। इतने सारे लोग जो है सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा का सारा सेशन, बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है ये सारा का सारा सेशन। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहले तो शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को। जैसे ही जो नंबर है एक अप्रोप्रिएट अमाउंट तक पहुंच जाएगा, अप्रोप्रिएट अमाउंट मतलब मेरा अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा है 500 के आसपास, तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, उसमें बहुत कुछ है जो बताना है। तो आज के पूरे के पूरे सेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आने वाला जो भी लेक्चर होने वाला है, जितने भी लेक्चर्स हम कंडक्ट करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, वो किस प्रकार से होंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें की जाएंगी, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। सो गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, जी हाँ गुड इवनिंग। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा हर एक का, तो इसलिए उसके लिए खेद है, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी। तो बस यही एक छोटी सी चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका शायद इंडिविजुअली नाम ना ले पाऊं, लेकिन चिंता ना करें, सेशन ख़त्म होने के बाद हर एक बच्चे को पर्सनली जा कर के मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा, लाइक ज़रूर करूँगा हर एक के कमेंट्स को। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जी जितेश जी, पूरा का पूरा सीरीज होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इकोलॉजी से रिलेटेड वो सारी की सारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सो गुड इवनिंग टू ऑल। सो जो इन्फॉर्मेशन है सीरीज के बारे में आपको कल ही मिल चुकी है, उसके पहले भी कई सारे वीडियोस आ चुके थे जो कि ये बता रहे थे कि किस प्रकार से जो नई लेक्चर सीरीज है वो शुरू होने वाली है। और इसके बाद हमारे केसी सर द्वारा भी इस बात को जो है आप सभी के सामने रखा गया। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके, बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके, एक तो आप सभी के सामने आए, उसी के साथ साथ आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया सर ने, और मेरे लेक्चर सीरीज़ की सर ने प्रमोशन की, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरुदेव हैं केसी सर, और वो अगर हमारे लेक्चर का या आने वाले सीरीज़ का प्रमोशन करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक तरह का ब्लेसिंग है, और मैं चाहूँगा कि उस ब्लेसिंग का आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। सो थैंक यू सर फॉर योर एनकरेजमेंट। सो शुरुआत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सब चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे।
शिवानी पूछ रही हैं सर क्लास सफिशियंट है नेट और सेट के लिए? जो भी लेक्चर होंगे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है, आप सीएसआर नेट की बात करो, सेट की बात करो, या लाइफ साइंस में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। जी जी ACFO कोई भी लेक्चर हो तो अप्रोक्सीमेट 452 स्टूडेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ 48 स्टूडेंट्स का और इंतज़ार, राइट। और फिर हम डेफिनेटली शुरू कर रहे हैं और हर एक चीज़ जो कि होने वाली है वो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। तो अब जो भी लेक्चर्स रहने वाले हैं, लेक्चर्स की सीक्वेंस क्या रहने वाली है उनके बारे में बात कर ली जाए। तो पूरे वीक का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से, पूरे वीक हम लोग अप्रोक्सीमेट 5 लेक्चर्स डिस्कस करेंगे और इन 5 लेक्चर्स के बाद एक लेक्चर या एक हम कह सकते हैं ऐसा सेशन होगा जिसमें आपके 5 दिन के पढ़े हुए ज्ञान को चेक किया जाएगा। जो भी नॉलेज आपने इन 5 लेक्चर्स में एक्वायर की होगी, सीखी होगी, उनको टेस्ट किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। सो सबसे पहला लेक्चर जो कि आज का ही लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे जस्ट एंड जस्ट इंट्रोडक्शन। इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इकोलॉजी को समझने की कोशिश की जाएगी। सर ने आपको कल के सेशन में बताया कि इकोलॉजी है तो बहुत आसान, और जाहिर सी बात है इकोलॉजी सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की एक थोड़ी सी खास बात है। क्या खास बात है? इकोलॉजी है तो आसान लेकिन लॉजिकल बहुत ज़्यादा है। ये जब बात कही जाती है तो इसका क्या मतलब है, इसको जैसे हम शुरुआत करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन वाली बात हो जाएगी। इंट्रोडक्शन की बात होने के बाद देन विल इंट्रोड्यूस वेरियस अडेप्टेशन ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स। सेकेंड लेक्चर के अंदर बात की जाएगी कि इन एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से, जिनके बारे में आज हम कहीं ना कहीं बात करेंगे, उनकी वजह से किस प्रकार जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, हाउ दे आर गेट अफेक्टेड। तो लिविंग कंपोनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनका क्या क्या इफेक्ट होता है, जो भी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट का उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली जाएगी। फिर हम बात करेंगे वेरियस अडेप्टेशंस ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स, इकोलॉजिकल हायरार्कीज, निश कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के थ्रू हम पूरे के पूरे वीक इकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सो 521 क्रॉस हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरू भी कर चुका हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि लेक्चर सीरीज जो रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है इस पूरे के पूरे हफ्ते। सो शाम के 5 बजे आपको सभी को ज्वाइन कर लेना है और इस सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाना है। अगली बात, जैसे कि आप सब जानते हैं कि IFS के स्टडी मटेरियल्स वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स हैं लाइफ साइंस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो, राइट। तो लाइफ साइंस का कोई भी एग्जाम हो, लाइफ साइंस के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना, या तो IFS का कोर्स ज्वाइन कर लें या तो फिर इनमें से कोई भी एक किताब आप ऑर्डर कर लें। डेफिनेटली आप देखोगे कि कोई भी टॉपिक हो आसानी से हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको इन किताबों में मिल जाएगा, राइट। अब ये तो बात हो गई कि ये हैं सबसे बेस्ट किताबें लाइफ साइंस की, अगर आप लाइफ साइंस में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। अब आपके फायदे वाली एक और बात है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप इनमें से कई सारी किताबें हैं जो मेरे पास फिलहाल अभी भी अवेलेबल हैं, आप एक एक करके चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। सबसे पहली किताब जेनेटिक्स की है, ऐसे ही 16 नंबर मॉड्यूल, 16 नंबर मॉड्यूल CSIR नेट वाली है, ऐसे ही जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ, ये आपने सुन रखा होगा, 14 नंबर मॉड्यूल है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, सारी की सारी जो भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर प्रेजेंट हैं। याद रखिएगा ये मैं पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो भी बात बताई जा रही है इसमें आपका कुछ फ़ायदा है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये ना सोचिएगा कि ये तो सर ने पब्लिसिटी शुरू कर दी, ये तो सर किताबों की तारीफ करने में समय वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ये सारे सैंपल्स, ये सारी किताबें आपको इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि कुछ फ़ायदे हैं आपके लिए। जैसे कि ये सेट की किताब, सेट का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, तो सबके क्वेश्चन पेपर्स, अगर आप बात कर रहे हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो इसमें मिल जाएंगे। ऐसे ही मॉड्यूल नंबर 15 जिसमें पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं
पार्ट सी के क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भी ये है। फिर सेट के लाइफ साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक ऑल ओवर इंडिया, जितने भी सेट कंडक्ट होते हैं सबके क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर हैं। और अभी लेटेस्ट की जो किताब आ चुकी है दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। तो इस प्रकार से कई सारी किताबें जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, इनमें से कोई भी किताब आप हर रोज जीत सकते हो। तो ये थी सबसे मेन बात, ये सारी किताबें दिखाने का जो मेन पर्पस था वो सिर्फ इतना ही था कि इनमें से कोई भी किताब आप हर रोज जीत सकते हो। क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी किताब को हर रोज जीतने के लिए। तो ये है सबसे मेन बात जो कि आप सभी के साथ शेयर करनी है। जी गुड इवनिंग टू ऑल न्यू कमर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया हुआ, उन सभी को गुड इवनिंग। तो मैं कह रहा था कि कैसे आप हर एक लेक्चर के अंदर इनमें से आपकी मर्जी का कोई भी एक किताब जीत सकते हो। क्या किया जाएगा ध्यान से समझिएगा, लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जो कि कहीं और से नहीं होगा, इकोलॉजी से ही होगा। इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब उस क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है और कैसे फिर आप इस किताब को जीत पाएंगे, ये बात ध्यान से सुनिएगा। तो करना ये है कि जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा, सेशन खत्म होने के लास्ट वाले पोर्शन में एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। हर एक लेक्चर के एंड में कॉन्सेप्ट होगा जो कि इकोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड रिटन आंसर। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं राइट, उसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, कभी कभार तो आप तुक्के में ही सही आंसर दे जाते हो। तो इस बार ऐसा नहीं है, थोड़ी सी लेवल टफ रहे, कॉम्पिटिशन टफ रहे, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा लेक्चर के लास्ट में, उस कॉन्सेप्ट का बेस्ट आंसर आपको लिखना है और ईमेल करना है। ठीक है, आप ईमेल करेंगे यस, और आपके उन आंसर्स को फिर स्क्रीनिंग की जाएगी, मैं ही खुद स्क्रीनिंग करूंगा, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उस स्टूडेंट को ये इनमें से कोई एक किताब जो भी वो चाहे वो उसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ध्यान रखिएगा इन किताबों में से कोई भी एक किताब आप क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। थैंक यू 600 प्लस व्यूअर्स के आने के लिए, धन्यवाद। जी नॉलेज वर्ल्ड, अगर आपको वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेरी करनी है तो ऊपर जो है पिन करके रखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कमेंट बॉक्स में से उस डिटेल को ले सकते हो और कॉन्टैक्ट करके आप इंक्वायरी करें, बात करें, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। सो बात हो रही थी कि इनमें से कोई भी एक किताब जो आपको पसंद हो, आपकी इच्छा, आपको लगता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ही पढ़ना है तो आप वो किताब ले सकते हो, आपको लगता है एवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी या फिर डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, इनमें से कोई भी किताब आपको चाहिए, विनर को इनमें से कोई भी मन मुताबिक किताब मिलेगी। तो हर एक सेशन को, जी हाँ, हर एक सेशन को ज्वाइन करना है, हर एक सेशन में एक किताब मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से अगर अभी तक आपने आपके दोस्तों को ये बात नहीं बताई है तो प्लीज अपने दोस्तों को ये बात बताएं। तो किताबें जीत सकते हैं, आपको एक ये सबसे बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आईएफएस की तरफ से। दूसरी और एक्स्ट्रा बेनिफिशियल चीज जो कि आपके लिए आईएफएस की तरफ से इस बार किया जा रहा है लेक्चर सीरीज के अंदर, वो है ज्ञान की बातें। क्या है ज्ञान की बातें, ये जो पोर्शन है इस लेक्चर के अंदर का, इसमें क्या किया जाने वाला है। तो ज्ञान की बातों के अंदर ज्ञान की बात की जाएगी, ज्ञान की बात अर्थात मुझे पता है कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ाना भी जरूरी है, ज्ञान देना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट करना भी जरूरी है, उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास कराना भी जरूरी है। और शायद इसी मोटिव से ये छोटा सा पोर्शन भी आप सभी के लिए लाया गया है, दैट इज ज्ञान की बात।
तो हम कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज भी बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे, और कोशिश यही होगी कि ये सारी की सारी जो भी स्टोरीज होंगी वो आप में से ही किसी स्टूडेंट से एसोसिएटेड होंगे। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ ऑफलाइन की प्रिपरेशन की है आज से 18 साल के पहले से लेकर के अभी तक के, उनमें से ही किसी स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएटेड ये स्टोरी होने वाली है, किस प्रकार से उस स्टूडेंट ने मेहनत की और किस प्रकार से उसने अपने एम को अचीव किया। इन्हीं सारी बातों को हम क्या करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि मैं कोई बनावटी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, कोई ऐसी काल्पनिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, ये सारी रियलिटीज हैं, ये सारी रियल चीज़ें हैं जिनको आपके सामने रखा जाएगा। सो ये छोटी सी चीज़ है, छोटा सा सेशन जो आप सभी के लिए, जी हाँ विशाल सर की तरह ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि मोटिवेशन भी होता रहे, ज्ञान भी मिलता रहे और ज्ञान की बातें भी होती रहे। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं कि IFS कई तरह के अलग अलग जो भी लेक्चर सीरीज़ है वो कंटिन्यूली रन कर रहा है, IFS ऑनलाइन चैनल पे भी, MSc एंट्रेंसेस पे भी, और भी जो IFS के कई सारे YouTube प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के ऊपर। सो सेट की तैयारी के लिए स्पेशली जो भी पेपर वन का सेक्शन होता है, स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, सेट का टारगेट सेट कीजिए। दो अलग अलग एक्सीलेंट फैकल्टीज IFS के यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। सो सौविक सर और सुरभि मैडम दोनों ही लोग आपको डिटेल के अंदर सेट की, पेपर वन के अंदर, जो हमेशा ही सबकी प्रॉब्लम है कि भाई पेपर वन का कोई प्रिपरेशन नहीं कराता, पेपर वन की सबसे बेस्ट किताब कौन सी है कोई बताने वाला नहीं है, इस प्रॉब्लम को देखते हुए ये वाला जो तरीका है वो शुरू किया गया है। सो आप जो सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज यस IFS जनरल एप्टीट्यूड चैनल पर, 5 मतलब आज से शुरुआत हो चुकी है, टाइमिंग देख लीजिएगा, दैट इज 11 AM ऑनवर्ड्स, 11 बजे के बाद, ठीक है। तो एक बहुत ज़रूरी सीरीज जो है ये भी है। उसी के अलावा नीट स्टूडेंट्स जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी IFS द्वारा ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई हैं। सो IFS के द्वारा नीट की लाइव लेक्चर सीरीज भी शुरू हो रही है, तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। और अब मुझे लगता है कि शुरू करना चाहिए लेक्चर। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारा का सारा पोर्शन था, ये सारा कुछ जो हम पूरे के पूरे सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं, ये वो सारी बातें हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा जो भी सीरीज चलेगा लेक्चर का, हर लेक्चर में क्या क्या इवेंट होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं आज के सेशन के ऊपर। सो बहुत सारा कुछ है जो आप सभी के लिए यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज का जो सेशन है, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज सिंपली द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। सो इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, किसके, इकोलॉजी के। सो काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है लेकिन उसके बावजूद इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और मैंने कहा था कि इकोलॉजी है तो आसान लेकिन ट्रिकी है, जानकारी चाहिए, लॉजिकल पार्ट है, इतना भी इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। मतलब एक बात हमेशा ही हमें कही जाती थी जब कभी भी इकोलॉजी पढ़ाने की शुरुआत की जाती थी कि इकोलॉजी में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। आपको क्या लगता है, ऐसी बातें इकोलॉजी में हमेशा ही क्या करेंगी, गलतियां करवाएंगी। तो इकोलॉजी ट्रिकी है, इजी है, और अगर आपको आती है तो इसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे, सारे के सारे आंसर्स आसानी से आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक। अब इस बात को प्रूव करने की बारी आ चुकी है, इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। तो जी हाँ, आइए चेक करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे शुरुआत कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, याद रखना, क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है इकोलॉजी की, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप सभी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स सुन रखे होंगे, जरूरी नहीं है कि मैं बताऊंगा तो ही आपको पता हो, आपने पहले ही कई सारे अलग अलग बायोम्स पढ़ रखे होंगे। तो जी हाँ,
क्या आपने अलग अलग तरीके के बायोम्स के बारे में सुन रखा है, जैसे कि ट्रॉपिकल बायोम्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे ही हम चाहें तो बात कर सकते हैं कई सारे ग्रासलैंड्स की, ऐसे ही हम चाहें तो बात कर सकते हैं कई सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की, या फिर टुंड्रा बायोम्स, अल्पाइन बायोम्स, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो छोटा सा एक क्वेश्चन वो ये है कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है, ध्यान रखिएगा मैं इकोसिस्टम कह रहा हूं, बायोम नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल सबसे कम पाया जाता है। ये क्वेश्चन लाने का, ये क्वेश्चन रखने का जो पर्पस है वो बड़ा सिंपल सा है। पर्पस सिर्फ इतना था कि कई बार ये क्वेश्चन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ कोर्सेज में जुड़े हुए हैं वो बार बार पूछते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन जब उनके दिमाग में आ रहा है इसका मतलब आपके दिमाग में भी आ सकता है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहे हैं, और ये बात समझने के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि इकोलॉजी इजी तो है लेकिन ट्रिकी है थोड़ी सी, राइट? तो ऐसा कौन सा बायोम है या ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल सबसे कम पाया जाता है? आपके लिए ऑप्शंस भी मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा जो ऑप्शन है, सपोज यहां पर एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं ग्रास लैंड। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल लिख लिया जाए कोई एक टेम्परेट, सपोज डेसीडियस फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और डी, सपोज हम किसी एक टुंड्रा के बारे में बात कर रहे हैं। So, ये अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स हैं, राइट? और इन अलग अलग इकोसिस्टम्स में से आपसे पूछा यह जा रहा है कि कौन से इकोसिस्टम के अंदर सॉइल में सबसे कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। इस क्वेश्चन का जवाब देते ही आप कंफर्म समझ जाओगे कि कौन सा इकोसिस्टम है, कौन सा पर्टिकुलर बायोम है जिसके अंदर आप बहुत ही कम सॉइल पा सकते हैं, कहां पर न्यूट्रिएंट पा सकते हैं सॉइल के अंदर। तो जी आंसर आने शुरू हो गए हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट, टुंड्रा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 666 लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सारे लोग एक बार लाइक करें, राइट? अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन गारंटीड है कि हम जो पढ़ेंगे वो लाइक से भी ज्यादा बेटर वाला होगा। तो आंसर आने शुरू हो चुके हैं, ए बी सी डी सारे के सारे आंसर आ चुके हैं। जितने लोगों ने ए कहा है वो सारे के सारे लोग सही हैं, जितने भी लोगों ने बी सी डी में से आंसर दिया वो सारे लोग गलत हैं। तो अब इस बात पे बवाल हो जाना चाहिए, टेंशन आ जाना चाहिए, चिंता हो जानी चाहिए कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां बायोडायवर्सिटी भर भर के है, सबसे ज्यादा लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, उसके बावजूद यह हाल है कि वहां का सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे कम हो गया, सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, ऐसा कैसे हो गया? जी हाँ, यही बात आगे अभी हमें समझ में आएगी। ग्रासलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक? ये दो क्वेश्चन का आंसर अगर आप समझ जाते हो तो मतलब आप इकोलॉजी को समझने के लायक हो चुके हो, आप इकोलॉजी को आराम से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जिन लोगों ने भी आंसर ए दिया है वो सारे लोग सही हैं, जिन लोगों ने भी आंसर बी सी डी कुछ भी कह दिया है वो सारे लोग गलत हैं, और यही है इकोलॉजी। समझिए कैसे, ठीक है? जी हाँ, रोने की शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि ये जो भी कंडीशन है वो क्यों है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, लंबे लंबे ट्रीज प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा लंबे ट्रीज वहीं पाए जाते हैं,
सबसे ज्यादा अर्बोरियल एनिमल्स मतलब पेड़ों पर रहने वाले जीव वहीं पर पाए जाते हैं। जो भी पेड़ पाए जाएंगे हो सकता है उनकी उम्र 100 से लेकर के 500 या 1000 साल तक की हो। तो ट्रिक देखो क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट सॉइल में होना चाहिए वो सॉइल में है ही नहीं। कहां पर है वो सारा न्यूट्रिएंट? द न्यूट्रिएंट व्हिच शुड देयर इनटू द सॉइल, इट इज एंट्रैप्टेड इनटू द प्लांट्स, इट इज गेट एंट्रैप्टेड इनटू द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट इनटू दैट फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल में होना चाहिए वो सारा का सारा कहां पर है? वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट प्लांट की बॉडी के अंदर फंसा हुआ है ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में। किसी प्लांट को जब किसी हर्बीवोर ने खाया तो वो उसकी बॉडी में चला गया, उस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया उसकी बॉडी में चला गया। और जनरली जो भी फूड वेब है, फूड चेन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिएंट जिसे सॉइल में होना चाहिए वो एक्चुअली कहां पर प्रेजेंट है? लाइफ फॉर्म्स की बॉडी के अंदर, राइट? इसका मतलब जो फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर जो सॉइल वाला पोर्शन है वहां पर न्यूट्रिएंट ना के बराबर है या बहुत कम है। मींस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह हो गई जहां पर लाइफ फॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, डाइवर्सिटी तो बहुत सारी है, लेकिन न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर बहुत ही कम है। और यही वजह है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कई सारे सिम्बायोन्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। स्पेशली माइकोराइजास का एग्जाम्पल आप पढ़ते हो कि द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ माइकोराइजा इट इज ऑब्जर्व इन टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो न के बराबर है या है बहुत कम है, राइट? ओके, तो जैसे कोई पत्ता गिरेगा बहुत तेजी से उसे डिकम्पोज करना पड़ेगा और डिकम्पोज करके उस पत्ते को फटाफट न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि प्लांट्स उसे रीअब्सॉर्ब कर सके। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन था कि सॉइल में न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा कम कहां पर होते हैं? सबसे ज्यादा कम वही होंगे जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। न्यूट्रिएंट जो कि कहां पर होना चाहिए? सॉइल में। इट इज गेट इंट्रैप्टेड इन टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी प्रेजेंट इन दैट इकोसिस्टम। सिंपल सा लॉजिक। लेकिन ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट क्यों होते हैं, अब इस बात का जवाब दीजिए। ग्रासेस की लाइफ साइकिल कितनी होती है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी एक सीजन होता है बरसात का उसके आसपास इनकी लाइफ साइकिल होती है। जैसी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी ये फिर से डीजनरेट होकर के सारा न्यूट्रिएंट कहां चला जाएगा? सॉइल में। कुछ न्यूट्रिएंट हो सकता है हर्बीवोर की बॉडी में, कुछ उससे कंज्यूम करने वाले कार्निवोर्स की बॉडी में चला जाए, बट ज्यादातर न्यूट्रिएंट हमेशा कहां मिलेगा? ग्रासलैंड के अंदर। तो बहुत जरूरी है ये बात ध्यान रखें। यहां से बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि जो दिखता है वैसा नहीं है, इकोलॉजी जैसी लगती है वैसी नहीं है। इजी है लेकिन ट्रिकी है। नॉलेज चेक करेगी आपका, पता होगा तो ही जवाब दे पाओगे, नहीं तो फिर गलती होनी तय है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी को क्यों कहा जाता है कि ये इजी और ट्रिकी है। यहां तक की बात समझी आपको? ये सब शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। ऐसे ही बहुत सारे सरप्राइजेस आपको आगे मिलते रहेंगे, तभी तो इकोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू 700 प्लस तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धोखा खा गए ना? जी हाँ जी बेबी डे, आप धोखा खा गए। ऐसे ही क्वेश्चन आसान लगते हैं लेकिन होते नहीं है, कुछ होता है उसके पीछे, कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी, दिस टर्मिनोलॉजी वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाय, सबसे पहली बार इकोलॉजी इस टर्म को किसने दिया था, सबसे पहली बार इकोलॉजी इस टर्म को किसने यूज किया था, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मुझे पता है लेकिन क्या आपको पता है कि इकोलॉजी सबसे पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल यूज किसने किया?
या फिर इस टर्म को सबसे पहली बार किसने क्वाइन किया? तो आंसर दें, आपका समय शुरू होता है अब। जैसे आप आंसर देना शुरू करेंगे, मुझे तो आंसर पता है, मैं चाहूं तो अभी बता दूं, लेकिन फिर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो यस, जल्दी से जल्दी बताएं कि ऐसे कौन से इकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार, जी हाँ, सबसे पहली बार इकोलॉजिस्ट टर्म का इस्तेमाल किया या इसे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अर्नेस्ट हैकल। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा कि अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहली बार इस टर्मिनोलॉजी को कॉइन किया, इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया अपने जो भी आर्टिकल्स थे, अपनी जो भी स्टडीज थी उसके अंदर। अब बात आती है कि ये जो इकोलॉजी टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वन टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड इट एज अ ओइकोस, ओइकोलॉजी, या हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं ओइको, ठीक है, ओइकोलॉजी भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो इट इज ओइकोलॉजी, पहले इसे ओइकोलॉजी कहा जाता था, जो कि ग्रीक ओरिजिन वाले दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ था। कौन से दो शब्द थे वो? वो शब्द थे ओइकोस, और दूसरा जो शब्द था वो था लोगोस। तो ये तो हमें भी पता है, इसके पहले भी आपने कई जगहों पर इकोलॉजी पढ़ी होगी, तो ये सारी बातें तो बेसिक है, और बेसिक से ही हमें पढ़ना है, बेसिक से ही शुरुआत करनी है। सो यस, ओइकोस और लोगोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओइकोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगोस, क्या मतलब है ओइकोस का, क्या मतलब है लोगोस का। याद रखें, शुरुआत इसलिए क्वेश्चन से की जा रही है ताकि आप अलर्ट हो जाए, आपको समझ में आ जाए। इतनी ईजी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। सो ओइकोस का क्या मतलब है, लोगोस का मतलब हर कोई जानता है, लोगोस तो हमने कई जगहों पर यूज किया होगा। यस, जी हाँ, थैंक यू 950 तक पहुंचाने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, होम और लोगोस में से अगर हम मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होगा लॉजी, या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं लॉजी कहें, या फिर आप सीधे कह दें स्टडी, लोगोस का मतलब, राइट, ओके। सो जैसे कि बायोलॉजी मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, वैसे ही जब आप ओइकोस की बात करेंगे तो ओइकोस इज रिप्रेजेंटिंग होम एंड लॉजी और लोगोस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टडी। तो क्या मीनिंग निकल करके आया, बड़ा सिंपल सा जो मतलब निकल करके आया यहां पर इकोलॉजी का, वो क्या है, सिंपल सा जो मतलब निकल करके आया वो ये हुआ कि क्या क्या स्टडी करना है आपको, होम की स्टडी करनी है। किसकी? स्टडी ऑफ होम, किसके घर की स्टडी ऑफ होम का मतलब क्या, क्या एग्जैक्टली होम मीन्स व्हाट, होम का मतलब क्या, हम हमारे घर की बात कर रहे हैं क्या, हम जिस घर में रहते हैं 1 BHK या 2 BHK का, उसकी बात कर रहे हैं क्या। तो किसके घर की स्टडी, व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ होम, होम का मतलब क्या है। सो अगर एक इंसान के दिमाग के हिसाब से सोचोगे, एक इंसानी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सोचोगे, तो शायद आपको 1 BHK 2 BHK ही दिख जाए। लेकिन अगर आप एक लाइफ फॉर्म के तौर पर, किसी एक एनिमल या किसी एक प्लांट के तौर पर सोचते हो, तो पता चलेगा कि होम इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना, याद रखिएगा ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, और इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ही उसका क्या कह दिया जाता है, घर। तो कोई पौधा जिस जगह पाया जाता है जहां पर वो सबसे आसानी से ग्रो हो सके, डेवलप कर सके, अपने लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर सके, वो उसका क्या होगा, घर होगा। कोई एनिमल, कोई टाइगर है, कोई लायन है, फॉरेस्ट में रहता है, तो वो फॉरेस्ट उसका घर होगा। ध्यान रखिएगा, होम का मतलब यहां पर बड़ा सिंपल सा है। थैंक यू फॉर 1K लाइव व्यूअर्स के लिए, और क्योंकि आपने 1K लाइव व्यूअर्स ला दिए हैं,
तो मैं भी अपना वादा पूरा करने वाला हूं, ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सो ये पूरा लेक्चर आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है, चिंता ना करें, राइट। सो सराउंडिंग एनवायरनमेंट का मतलब ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है जो कि उसके लिए बेस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट होता है, जहां पर वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने जैसे कई सारे प्लांट्स या एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका घर है। तो 1 BHK 2 BHK का कंसेप्ट छोड़ो, जरा किसी जंगल में पहुंचो और वहां प्रेजेंट किसी एनिमल के नजरिए से देखो कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ होम और द सराउंडिंग एनवायरमेंट विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बात हो गई कि इकोलॉजी क्या है, उसके जो टर्म्स हैं उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें। अब आते हैं एक्चुअल पार्ट पर, दैट इज द डेफिनेशन। ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो जरूरी है कि डेफिनेशन को समझें। कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसे ही नहीं दी जाती, कोई भी टर्म ऐसे ही नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ मतलब होता है, हर एक टर्म का कोई ना कोई मीनिंग है, और जब तक आप उस मीनिंग को नहीं पकड़ोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजिकल डेफिनेशंस को अगर हम समझ लें तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। सो अब डेफिनेशन को एक्सप्लोर करें। वैसे तो कई सारे डेफिनेशन हैं, अर्नेस्ट हेगल के डेफिनेशन को आप चाहें तो देख सकते हैं, ओडम के डेफिनेशन को चाहे तो आप देख सकते हैं। इकोलॉजिकल, इस टर्मिनोलॉजी को कई अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीके का डेफिनेशन है जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि व्हाट वी शुड स्टडी और व्हाट वी हैव टू स्टडी अंडर इकोलॉजी, उसी को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आगे की बातें की जाएंगी। सो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल कि ये एक प्रकार की साइंटिफिक स्टडी है। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग में स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं स्टडी करेंगे, वी हैव टू यूज साइंटिफिक मेथड्स, वी हैव टू यूज साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज इफ इट इज रिक्वायर। सो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट। ध्यान रखिएगा, वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्या हो गया, वी हैव टू स्टडी अबाउट द ये चला इंटरैक्शंस। ध्यान रखिएगा क्या स्टडी करना होता है इकोलॉजी के अंदर, इंटरैक्शंस। तो मेनली इकोलॉजी के अंदर हम इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं, वी आर कंप्लीटली इंटरेस्टेड इनटू द स्टडी दैट इज कॉल्ड इंटरैक्शंस। व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शंस, इस प्रकार के इंटरैक्शंस की बात की जा रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शंस व्हाट वी कैन फाइंड अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। बहुत ही सिंपल सा मतलब हुआ इसका कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है उस जगह के साथ, उस जगह पर पाए जाने वाले कई सारे फैक्टर्स के साथ, लिविंग नॉन लिविंग जो भी फैक्टर्स हैं उनके साथ वो किस प्रकार से इंटरेक्शन करता है, इसी तरीके की स्टडी की जाती है कहां पर, इकोलॉजी के अंदर। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन के ऊपर भी सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो क्या पढ़ना है आपको, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस वो भी किसके किसके बीच में, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब जितनी भी जिंदा चीजें हैं हमारे आसपास में, उन सभी का इंटरेक्शन किसके साथ, उनके एनवायरमेंट के साथ। कि मैं अगर किसी भी जगह पर कंफर्टेबली रह रहा हूं, दैट मींस कहीं ना कहीं सराउंडिंग जो भी एनवायरमेंट है वो मेरे फेवर में है, मेरे सपोर्ट में है, देन ओनली आई एम प्रेजेंट कंफर्टेबली इन एनी पर्टिकुलर एनवायरमेंट। याद रखिएगा कि अगर रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे को पानी में रख दिया जाए तो जिंदा नहीं बचेगा, या फिर से एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले पौधे को अगर आप रेगिस्तान में रख दो जिंदा नहीं बचेगा, बिकॉज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट शुड फेवर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म।
और हम कुछ इसी प्रकार के इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द इकोलॉजी। अब कैसे और क्या, कौन कौन से इंटरेक्शंस, इसी को, जी हाँ जी, मैं कह चुका हूं कि आपने 1K लाइव व्यूअर्स तक हमें पहुंचा दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन लेक्चर्स को अब पब्लिक ही रखूं, ठीक है? तो जी हाँ, पब्लिक रखा जाएगा। आगे बढ़े जी, मैं मेरे लेक्चर की बात कर सकता हूं, मेरे लेक्चर तो मैं डेफिनेटली पब्लिक रखूंगा ही, ये गारंटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि अब जब कभी भी हम इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज एग्जैक्टली दोज इंटरेक्शंस। हमने बात की कि जो भी इंटरेक्शंस होंगे वो किसके किसके बीच में देखने को मिलेंगे, जो भी इंटरेक्शंस होंगे दैट विल ऑब्जर्व इन बिटवीन द, क्या हो गया, So, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जी हां, ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, दो चीजें हैं यहां पर जो इंटरैक्ट करने वाली हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। सो जब कभी भी आप कह रहे हो ऑर्गेनिज्म, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, फिर से क्वेश्चन, आज पूरे के पूरे सेशन में क्वेश्चन पे ही बात होगी, क्वेश्चन से ही बात होगी। जी हाँ, ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? जब मैं कभी भी कहता हूं कि हमारे आसपास में कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो क्या मतलब, क्या मीनिंग है उसका? जी हाँ, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास में अलग अलग तरीके के जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, अगर उनको दो या तीन वर्ड्स में ही बताना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? जी हाँ, ऑर्गेनिजम्स के तौर पर मैं नंबर 1 क्या लिखूं, नंबर 2 क्या लिखूं, नंबर 3 क्या लिखूं? जी हाँ, आपके इंफॉर्मेशन को ही हम यूज करेंगे। जी जी, बताइए एक एक करके। लिविंग थिंग्स, सही बात है, लेकिन लिविंग थिंग्स में भी तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम लिविंग थिंग्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, सही बात, लेकिन एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो दो या तीन वर्ड्स में हम कैसे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी हाँ, लिविंग थिंग्स समझ में आ गया मुझे, प्लांट, वाटर, वाटर कौन लिख रहा है, वाटर तो गलत हो जाएगा, वाटर गलत है, वाह, जिसके पास ऑर्गन है वो ऑर्गेनिज्म है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तो जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं क्या, प्लांट्स, हम लिख सकते हैं एनिमल्स, और हम लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अगर मैं चाहूं तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स हमारे आसपास में पाए जाते हैं, अगर कुछ टर्म्स की मदद से उन्हें लिखना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हमारे आसपास में पाए जाते हैं कई प्रकार के प्लांट्स, हमारे आसपास में पाए जाते हैं कई प्रकार के एनिमल्स, हमारे आसपास में पाए जाते हैं कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हो गए लिविंग पोर्शन ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। मेनली हम यही तो स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बारे में। अब अगर एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब हम एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर्स को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें, कुछ टर्मिनोलॉजीज की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, सो व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स वी कैन राइट टू रिप्रेजेंट द एनवायरमेंट। याद रखिएगा, एनवायरमेंट का सीधा सीधा हम यहां पर मीनिंग ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एबायोटिक पार्ट, जो भी एबायोटिक पार्ट है, एबायोटिक फैक्टर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब क्या, कौन कौन से टर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एयर, वाटर, सॉइल, फिजिकल, केमिकल, एयर, बहुत सारे टर्म्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, देखिए शायद आपको वो ज्यादा सही लगे, कि एनवायरमेंटल पोर्शंस को अगर हम चाहें तो कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे कुछ ब्रॉड ग्रुप्स में,
which is called lithosphere. Hydrosphere and atmosphere. हमने क्या कर दिया, ब्रॉड ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया इन सारे फैक्टर्स को. मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि लिथोस्फीयर भी कहे जा सकते हैं या लिथोस्फीयर का हिस्सा होंगे. ऐसे कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो कि हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा होंगे. ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि एटमोस्फीयर का हिस्सा होंगे. इस प्रकार से हमने ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स को इन तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया, राइट. अब बात आ रही है एग्जैक्टली जो यहां पर डिस्कस करनी है, इकोलॉजिकल स्टडी में किया क्या जाता है. मेनली वी आर इंटरेस्टेड इन टू हाउ द ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट विद देयर एनवायरमेंट. जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो किस प्रकार से, वो हो सकता है पौधा हो सकता है एनिमल हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कैसे इंटरैक्ट करता है अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, मतलब एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, मतलब लिथोस्फेरिक फैक्टर्स, हाइड्रोस्फेरिक फैक्टर्स और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के साथ. समझ में आई बात. तो जो भी इंटरेक्शंस हैं, याद रखिएगा हर तरीके के इंटरेक्शंस को स्टडी करेंगे इकोलॉजी के अंदर. हम ये भी पढ़ेंगे कि कोई प्लांट कैसे एनिमल के साथ इंटरेक्ट करता है, कोई एनिमल कैसे प्लांट के साथ इंटरेक्ट करता है, कोई एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल के साथ, उल्टा फुल्टा सब तरफ से जो भी इंटरेक्शंस पाए जा सकते हैं वो कैसे स्टडी किए जाते हैं, ये सारे इंटरेक्शंस भी इकोलॉजी में ही पढ़ा जाता है. कि कई तरीके के जो इंटरेक्शंस हैं, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ये सारे के सारे जो भी इंटरेक्शंस हैं वो भी तो एक प्रकार के इंटरेक्शंस हैं जो कि किनके बीच में देखने को मिल जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बीच में. ये भी तो इकोलॉजी में ही पढ़ा जाता है. सही बात. फिर बात की जाएगी कि हाउ द लिथोस्फेरिक फैक्टर्स दे इंटरैक्ट विद द हाइड्रोस्फेरिक फैक्टर्स, हाउ द हाइड्रोस्फेरिक फैक्टर्स दे इंटरैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स. ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं तभी एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट होता है. तो ये सारे फैक्टर्स भी तो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ये भी आपको स्टडी करना है. ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी आपस में स्टडी करते हैं, ये भी आपको स्टडी करना है. दैट मीन्स इकोलॉजिकल स्टडी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस विच इज प्रेजेंट अमंग द एनवायरमेंट एंड देयर बायोटिक फॉर्म्स. समझ में आई बात. बड़ा सिंपल सा तरीका है एक्सप्लेन करने का कि व्हाट इज एग्जैक्टली द इकोलॉजी. तो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को समझा है कि क्या पढ़ना है आपको, इंट्रैक्शंस को स्टडी करना है, इंट्रैक्शंस सारी चीजों के बीच में, राइट. तो अब बढ़ते हैं आगे एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अगला जो हिस्सा है वो क्या होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सबसे पहले ऑर्गेनिज्म वाले इस पोर्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा समझने के हिसाब से, क्योंकि इकोलॉजी में जब कभी भी आप ऑर्गेनिज्म कहते हो तो आप प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म शायद इन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते. सो फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस द ऑर्गेनिजम्स. यस, सबसे पहले किसके बारे में बात की जाएगी, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की जाएगी. सो लेट्स इंट्रोड्यूस अबाउट द ऑर्गेनिजम्स. तो अभी हमने कहा कि इकोलॉजी के अंदर या जनरली अगर हम इन जनरल बात करें तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होगा या तो प्लांट या तो एनिमल या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यही टर्मिनोलॉजी आपने लिखी थी अभी तक या आपको मैंने बताई अभी तक, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यस, यही लिखा था ना हमने. लेकिन इकोलॉजी में ये वाले जो नॉमनक्लेचर हैं ये किसी काम के नहीं है. इकोलॉजी के अंदर जो नामकरण है वो थोड़ा अलग है. इकोलॉजी के अंदर हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को प्लांट या फिर एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा कहकर के कम रिप्रेजेंट करते हैं. इकोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी जनरली यूज की जाती है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. हो सकता है कि हम प्लांट्स के लिए ऐसे कुछ टर्म का इस्तेमाल करें जैसे कि प्रोड्यूसर्स,
जब कभी भी प्रोड्यूसर की बात करते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, बट मैं जो भी एग्जांपल्स यहाँ लिख चुका हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ. सो प्लांट्स को इकोलॉजी में प्रोड्यूसर्स कह दिया जाता है, राइट. अगर एनिमल्स की बात की जा रही है तो इन एनिमल्स को एनिमल ना कह करके, बार बार मैं हिरन, जिराफ, शेर ऐसी चीजें ना कह करके उनके लिए टर्म यूज करूंगा, यस, कंज्यूमर्स. समझ में आई बात? और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज कर ली जाएगी दैट विल बी अ डी कंपोजर्स. समझ में आई बात? तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज के दौरान, हम जनरली उन्हें या तो प्रोड्यूसर, या तो कंज्यूमर, या तो डीकंपोजर इस नाम से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. समझ में आई बात? अब ये भी हमको पता है कि जब कभी भी प्रोड्यूसर की बात की जा रही है तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर्स, जब कभी कंज्यूमर की बात की जा रही है तो व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स, एंड जब कभी भी डीकंपोजर्स की बात की जा रही है तो व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजर्स. तो ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी प्रोड्यूसर के बारे में बात की जा रही है, यस, किसके बारे में, किसके बारे में बात की जा रही है, प्रोड्यूसर्स के बारे में. तो प्रोड्यूसर्स मतलब एनी काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. याद रखिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में. ऑटोट्रॉफिक से क्या मतलब है? ऑटोट्रॉफिक से मतलब है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेता हो, उसे क्या कह दिया जाएगा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. अब हो सकता है कि वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकता है कि वो कीमो ऑटोट्रॉफ हो, ठीक. तो प्रोड्यूसर्स ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं, जिन्हें इकोलॉजी में प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ठीक. क्या काम करते हैं, किस प्रकार से इकोलॉजी में ये अपना रोल प्ले करते हैं, व्हाट इज द इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजिकल रोल है इनका प्रोड्यूसर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर से मतलब है कि अपना खाना खुद से बनाने वाले, और वो भी इतना खाना बना दें कि उनका तो गुजारा हो ही जाए, लेकिन जितने अदर लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है उनका भी गुजारा इसी फूड मटेरियल के ऊपर कंप्लीट हो जाए. ऐसे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कह दिया गया है. और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये करते क्या है, तो ये इनऑर्गेनिक, ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. इस इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे और इसे क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे. ऐसा रोल प्ले करते हैं कौन? प्रोड्यूसर्स. दैट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स की बात की जाए, सो दीज कंज्यूमर्स आर दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं. ऐसा हो गया एक कंज्यूमर, राइट. दैट इज कि कंज्यूमर्स में भी कई सारी कैटेगरीज, हम चाहें तो कंज्यूमर्स के अंदर कई सारे ग्रुप्स के बारे में बात कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर. सो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और ऐसे ही क्वार्टरनरी कंज्यूमर. कंज्यूमर्स को अलग अलग सब पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है. जी हां, सो कंज्यूमर्स वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, हेटरोट्रॉफिक नेचर रखते हैं. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. और अब बात की जा रही है कि इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर, आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, ठीक. ओके, सो अब प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब हमें पता है. प्राइमरी कंज्यूमर मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसे कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स को, हर्बीवोर्स कह दिया जाता है उन्हें. ऐसे ही सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो ये है कार्निवोरस एनिमल्स जो कि किसे खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं. अगर बात कर ली जाए टर्शरी कंज्यूमर्स की, इसका मतलब ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो और किसी कार्निवोरस एनिमल को खा लेते हैं. लाइकवाइज
जो भी कार्निवोर्स हैं उन्हें सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टरनरी इस हायरार्कीज में रखा जाता है, या चाहे तो आप यहां पर टॉप मोस्ट कंज्यूमर भी लिख सकते हैं, टॉप मोस्ट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स ये ऐसी कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की जिसके अंदर वो फूड खुद से नहीं बनाते, दे टेक द फूड विच इज एक्चुअली मेड बाय समवन एल्स। मेनली अगर हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर से लेगा, कौन लेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। अगर आप सेकेंडरी कंज्यूमर की बात कर रहे हो तो वो घास नहीं खाता, वो घास खाने वाले को खाता है, राइट? किसी आप टाइगर लायन का एग्जांपल आप चाहे तो यहां पर ले सकते हो। और फिर फाइनली बात आ जाती है डिकम्पोजर्स की। जो सबसे स्पेशल फीचर है कंज्यूमर्स का वो क्या है कि प्रोड्यूसर्स तो इनऑर्गेनिक खाते हैं और क्या बनाते हैं उससे ऑर्गेनिक, लेकिन कंज्यूमर्स क्या खाते हैं और क्या बनाते हैं बताइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि कंज्यूमर्स क्या खाते हैं और क्या बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंज्यूम करेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेंगे। बट व्हाट यू कैन से अबाउट दिस, कंज्यूमर्स का क्या रोल है, कंज्यूमर्स का क्या रोल है? यस yes. जी हां, वेट कर रहा हूं। यस, सो व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स का जो फीडिंग लाइफस्टाइल है वो कैसा है, वो क्या खाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फाइनली जी अब्दुल्ला, ओमनीवोर्स को हम यहां कहीं पर भी इस सीक्वेंस में नहीं रिप्रेजेंट करते, ओमनीवोर्स को किसी भी फिक्स प्लेस पर नहीं रखा जा सकता। डेफिनेटली दे आर प्रेजेंट, बट वी कैन नॉट प्लेस इन एनी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। तो कई लोग कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं ये ऑर्गेनिक खाते हैं, इनऑर्गेनिक बनाते हैं। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे हुआ कि ऑर्गेनिक खा करके इनऑर्गेनिक बना दिया, ऐसे कैसे? मेनली कंज्यूमर्स का काम ये है कि ये ऑर्गेनिक ही खाएंगे, मतलब किसी एनिमल की बॉडी का कोई हिस्सा खा लिया, उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, और ये डाइजेशन करके उसमें से काफी सारे जो भी अमाइनो एसिड्स हैं, काफी सारे जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स उस फॉर्म में उसका कन्वर्जन करेंगे, वो भी एक तरीके का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है, और फिर उसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपने बॉडी की रिक्वायर्ड जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो चाहिए वो बना लेंगे, राइट? तो ध्यान रखें ये ऑर्गेनिक खाते हैं और क्या बनाते हैं उससे, ऑर्गेनिक ही बनाते हैं। ये कहीं पर भी ऑर्गेनिक को कंज्यूम करके इनऑर्गेनिक बनाने का काम नहीं करते। मुझे पता था कि डेफिनेटली यहां पर आप थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाओगे। तो जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर्स दे ईट ऑर्गेनिक एंड दे मेक ऑर्गेनिक इनटू देयर बॉडी, ठीक है? अब बात आ जाएगी फाइनली डीकम्पोजर्स के ऊपर। व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर को खाना है, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फाइनल इनका जो रोल है वो ये है कि जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसर्स के थ्रू इकोसिस्टम में एंटर हुआ था, उस न्यूट्रिएंट को फिर से क्या कर देना, इकोसिस्टम में ऐड कर देना, सॉइल में ऐड कर देना, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। सो दिस इज अबाउट द ऑर्गेनिज्म पार्ट। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में अगर इन शॉर्ट बात करें, ये तो हमने जस्ट एंड जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसे जैसे आगे वाले पोर्शंस पर पहुंचेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिजम्स के बीच में पाए जाने वाले जो भी इंट्रैक्शंस हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज जस्ट एंड जस्ट यस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खा लेना और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स। Now moving to the next. अब अगला क्या और क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है? तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना था वो हो चुका। ऑर्गेनिजम्स को हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम कम्युनिटी इकोलॉजी के आसपास की बात करेंगे, तब ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। नाउ इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर में, अगर हम कहें
तो जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो ये है एनवायरमेंट का. समझिएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट ओवर हियर. एनवायरमेंट मतलब सबसे पहले तो आपको पता हो कि ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और फिर एनवायरमेंट क्या है और ये फिर ये दोनों पोर्शंस कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यही तो समझना था. और एनवायरमेंट वाले पोर्शन के बारे में जब कभी भी बात की जा रही है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एबायोटिक पार्ट. तो अब हम एबायोटिक वाले पार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं. सो ब्रॉडली हमने जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उनको कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और यस एटमॉस्फियर, राइट. इस प्रकार से कई सारी कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है हमने किसको, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, राइट. अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए एनवायरमेंटल फैक्टर्स को तो ये तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है. यदि चाहे तो और भी कई सारे अलग अलग तरीकों से जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है. तो सबसे पहले जो चीजें हमने पहले लिख रखी थी उनको एज इट इज लिखा जाए, दैट इज कि लिथोस्फियर. नेक्स्ट वन दैट इज हाइड्रोस्फियर एंड द थर्ड वन दैट वॉज द एटमोस्फियर. सो ये वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज है. जब कभी भी आप एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो इसका मतलब आप सारे के सारे गैसेस और जो लाइट एटमॉस्फेयर में होती है उसको भी आप कंसिडर कर रहे हो, उसको भी आप इंक्लूड कर रहे हो, राइट. जब कभी भी आप हाइड्रोस्फेयर की बात कर रहे हो तो मतलब वो सारा पोर्शन विच इज मेनली इन्वॉल्व इन द वॉटर साइकिल. और लिथोस्फियर का मतलब मेनली आप बात कर रहे हो सॉइल न्यूट्रियंट और उसी के साथ साथ जो भी रॉक्स हैं और भी कई सारी चीजें. सो सॉइल न्यूट्रिएंट रॉक्स जो भी पोर्शंस हैं उन सभी को हम जनरली लिथोस्फीयर में डिस्कस कर लेते हैं. तो अब किसी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसी के बारे में सारी बात हो रही है. और मेनली जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हमने क्या कर दिया है, तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है. एनवायरमेंट को समझने के लिए दो जरूरी टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है क्लाइमेट और जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है दैट इज वेदर. कि जब कभी भी आप बात कर रहे हो एनवायरमेंट के बारे में, सराउंडिंग एनवायरमेंट के बारे में, मेनली ए बायोटिक पोर्शन के बारे में, तो एबायोटिक पोर्शन के बारे में बात करने के समय शायद आपने कभी ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया होगा, क्लाइमेट और वेदर. व्हाट इज एग्जैक्टली क्लाइमेट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली वेदर, क्या होता है क्लाइमेट, क्या होता है वेदर. तो जी हाँ, आपका समय शुरू होता है कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है ये बताएं. व्हाट इज एग्जैक्टली क्लाइमेट, व्हाट इज एग्जैक्टली वेदर, लगातार बोलने की वजह से हो सकता है कि आपको लग रहा होगा सर बोले जा रहे हैं सुन नहीं रहे हैं. तो आपका समय आ गया है, अब आप आंसर दीजिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली द क्लाइमेट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली वेदर. क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, राइट. जी हाँ, किसी ने कहा कि इन सभी को मिला करके क्या बनता है बायोस्फीयर, बात गलत नहीं है. इन सभी को मिला करके बायोस्फीयर बनेगा लेकिन एक चीज मिसिंग है, दैट इज लिविंग फॉर्म. जो लिविंग फॉर्म है उसको भी ऐड करना पड़ेगा तभी तो बायोस्फीयर बनेगा, राइट. ध्यान रखिएगा, राइट. तो बायोस्फीयर तो तब बन जाएगा जब इसमें लिविंग पोर्शन भी आप ऐड कर दो. जी हाँ, आगे बढ़िए. व्हाट इज एग्जैक्टली क्लाइमेट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली वेदर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स. सो वेदर is definitely a short term conditions. सुबह उठ करके 7 बजे गूगल फोरकास्ट देखा तो पता चला कि आज जो है थंडर स्ट्रोम के साथ कड़ाके की बिजली के साथ जोरदार बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं, राइट. लेकिन दोपहर होते होते सारे बादल गायब और कोई बरसात का नामो निशान नहीं रहा, यह है वेदर. शाम हुई फिर से बादल गिर गए और बरसात शुरू हो गई.
ये जो बदलाव हो रहे हैं इनको हम कह देंगे शॉर्ट टर्म कंडीशंस एंड दैट इज व्हाट द वेदर. सो वेदर इज नथिंग बट द शॉर्ट टर्म कंडीशंस. तो जो भी कुछ समय के लिए कंडीशंस आप देखते हैं वो वेदर से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये ऐसे शॉर्ट टर्म कंडीशंस हैं जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं. लाइट इंटेंसिटी कभी ज्यादा होगी कभी कम हो जाएगी, कभी आसमान साफ होगा कभी बादलों से गिर जाएगा, ये सारी चीजें वेदर है. लेकिन क्लाइमेट क्या है? व्हेन वी आर यूजिंग अ टर्म क्लाइमेट, सो डेफिनेटली क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन. सही बात है, काफी सारे लोगों ने कहा कि क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन का जो क्लाइमेट है वो जल्दी से चेंज नहीं होता, हो सकता है उसे बदलने के लिए हजारों साल लग जाए, तो इसे क्लाइमेट कह दिया जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर ली जाए तो अभी सारे लोग जो कि जोधपुर में होंगे, गर्मियां खत्म होने वाली होंगी और बरसात की शुरुआत हो रही होगी, लेकिन अगर वहां के क्लाइमेट के बारे में बात की जाए, वहां के क्लाइमेट के बारे में बात की जाए तो जनरली यही कहा जाता है कि वहां का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, बहुत ज्यादा गर्म और सूखा है. वहीं पर पुणे आ जाइए तो पुणे में जो कंडीशन है ज्यादातर आप देखेंगे कि यहां पर कोल्ड ही रहता है, ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि मुंबई में है, तो हम कह देंगे कि यहाँ का फिर भी कोल्ड एंड स्लाइटली ड्राई कहेंगे, क्योंकि कोल्ड एंड ड्राई तो फिर हिमालयन रेंजेस की बात आ जाएगी जहां पर जो ठंडी है बहुत ज्यादा होती है और एनवायरमेंट ड्राई टाइप का होता है, स्किन जो है वो सूख जाती है. सो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन एंड वेदर इज अ शॉर्ट टर्म डेली चेंज होने वाला जो भी कंडीशन है. ऐसे दो टर्मिनोलॉजीज हैं. एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हो, दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है. अब किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसे डिसाइड किया जाता है ये समझिएगा, कि किसी भी प्लेस का क्लाइमेट क्या है ये बात कैसे डिसाइड की जाए. तो पूरे साल के दौरान जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, पूरे साल टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व किया जाएगा, कम से कम टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर क्या रहता है उसकी एवरेज मीन वैल्यू मान ली जाएगी वहां का टेम्परेचर. पूरे साल के दौरान ह्यूमिडिटी कितनी रहती है उसका जो भी एनुअल एवरेज होगा उसको हम कह देंगे वहां की ह्यूमिडिटी. तो किसी भी प्लेस की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है इट इज एक्चुअली डिपेंड ऑन द एवरेज एनुअल कंडीशंस. तो ध्यान रखिएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड इट एज अ क्लाइमेट. तो जो भी जरूरी बातें हैं हम यहां पर आगे जो भी डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज इन रिलेशन विद द क्लाइमेट, क्लाइमेट के रिलेशन में ही सारी की सारी बातें की जाएंगी. सो अब बात करें क्लाइमेट के बारे में या क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में. सो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आ चुके हैं. अभी तक का जो भी डिस्कशन हमारा रह चुका है उस डिस्कशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ला दिए गए हैं. तो जी हां, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, अभी जो भी बातें हमने पढ़ी शायद उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जी हाँ, सो बहुत इजी, जाहिर सी बात है सबसे पहला जो पोर्शन हमने डिस्कस किया था वो यही था कि डेफिनेशन, जब कभी भी आप बात करो इकोलॉजी की तो क्या होगी, कि जब कभी भी इकोलॉजिकल स्टडी की जा रही है सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यस द इंटरेक्शंस प्रेजेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट. बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उस क्वेश्चन का भी आंसर आप चाहे तो दे सकते हैं. उसके बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की लेकिन डेफिनेटली आप उसका आंसर दे पाएंगे. यस yes. जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे.
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बीच में बताना भूल गया एक्साइटमेंट के अंदर, लेकिन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। जी हाँ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा गया है, तो आंसर है हमारा प्रोफेसर डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी। और अगर एक और क्वेश्चन इसी में बना दिया जाए कि इस पोर्शन को यहां से हटा दे इन इंडिया, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बना दिया हमने थोड़े से बदलाव करके, और अब बताइए कि आंसर क्या होगा। जी हाँ, अब हमने क्वेश्चन में से इन इंडिया हटा दिया, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, अब आपका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये एरिस्टोटल वाला कौन है भाई, कौन है जो एरिस्टोटल को यहां जबरदस्ती ले आ रहा है, हैकल को ले आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि अगर फादर ऑफ इकोलॉजी की बात की जाए तो आंसर होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया की बात की जाए तो आपके नोट्स में ये दोनों बातें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में ये दो लाइनें लिखवाना हम भूल चुके हैं, लेकिन आसानी से इस बात को याद रखा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी बात की जाए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और अगर बात की जाए इन इंडिया मतलब फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो आंसर होगा आपका प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। तो ये अगला क्वेश्चन था, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि हम बात कर रहे हैं मेनली किसके बारे में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, उसमें भी हम क्लाइमेट वाले पोर्शन को आगे ज्यादा डिटेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो क्लाइमेट, क्लाइमेट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, या हम बात कर सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। सो तीन अलग अलग तरीके के टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्लाइमेट से रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इट एज अ ग्लोबल क्लाइमेट। सबसे पहले किसके बारे में बात की जा रही है, ग्लोबल क्लाइमेट। दूसरा है लोकल क्लाइमेट, और तीसरा टर्मिनोलॉजी है माइक्रो क्लाइमेट, कि हमारे आसपास में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इट मे बी द ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, इट मे बी द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, और इट मे बी द माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, all these climatic conditions they are depend on certain factors। हम ये समझेंगे कि global level पर जो भी climatic conditions हैं वो जिस भी प्रकार की हैं वैसे क्यों हैं, local climatic conditions जो हर जगह पर अलग अलग होती है वो ऐसा क्यों है, और उसी के साथ साथ समझने की कोशिश की जाएगी कि what is exactly the micro climate। याद रखिएगा तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सबसे पहले बात की जा रही है ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में। ग्लोबल क्लाइमेट मतलब वर्ल्ड वाइड जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं पूरे ग्लोब के ऊपर, वो जिस भी प्रकार की हैं वो कैसे हैं और क्यों हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक टाइप ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके बारे में बात की जाए। उसी के साथ साथ फिर बात कर लेंगे कि लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हर जगह पर पाई जाती हैं वो वेरी क्यों करती हैं, मतलब अगर बात कर ली जाए इंडिया की जो कि सब ट्रॉपिकल कंट्री है, तो कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, और कुछ ऐसे भी
स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, एनवायरनमेंट हमेशा ही ठंडा रहता है, तो लोकल लेवल पर ये जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशन है उसकी क्या वजह है, ग्लोबल लेवल पर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं उनकी क्या वजह है. वी आर इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करें, फिर लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करें, और फिर माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है ये भी आपको समझा दिया जाएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस. कौन सी किताब आपको पढ़नी है? सबसे बढ़िया जो किताब है इकोलॉजी की, जो मैं भी रेफर कर रहा हूं डेफिनेटली, वो है IFS की नोट्स. कई सारी इकोलॉजी की किताबों का जो भी सार है वो इसमें रखा गया है, तो सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी. मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास IFS की इकोलॉजी की नोट्स है तो आपको कोई जरूरत है कोई और किताब पढ़ने की, क्योंकि सारी मेहनत जो किसी एक स्टूडेंट को करनी है और अलग अलग किताबों को पढ़ करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की, वो काम हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो क्यों आप परेशान होते हैं. सिर्फ और सिर्फ एक किताब को ऑर्डर करें और आपका काम हो जाएगा. कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स की इंफॉर्मेशन आपको एक नोट्स में मिल जाएगी. जी हाँ, तो चलिए ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस या माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये जो भी कंडीशंस हैं वो किस प्रकार से रेगुलेट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करें. तो ध्यान रखें कि किसी भी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ सर्टन फैक्टर्स. सो हम मेनली बात कर रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, एंड ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. तीन अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिए जाते हैं सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स, या फिर फिजिकल फैक्टर्स भी आप चाहें तो इन्हें कह सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ फिजिकल फैक्टर्स. सो ध्यान रखें कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, इट मे बी द ग्लोबल, इट मे बी द लोकल, और इट मे बी द माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे आर get influenced because of the various types of physical or abiotic factors. And all these physical and abiotic factors, they are broadly categorized into certain categories, and those categories are climatic factors. The second one, that is called it as a topographic factors, and the third one, that is called it as a edaphic factors. तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, या फिर माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ज्यादातर जो भी फैक्टर्स इन्हें इंफ्लुएंस करते हैं उनको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है. तो ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो या लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, मेनली इट इज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर. इसीलिए उन्हें क्लाइमेटिक फैक्टर ही कह दिया गया है, क्योंकि हर क्लाइमेटिक कंडीशन को ये इन्फ्लुएंस करते हैं. और जब कभी भी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात हो रही है तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेनफॉल के बारे में, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, हम बात कर रहे हैं लाइट के बारे में, हम बात कर रहे हैं यस एटमॉस्फेरिक जो भी पोर्शन है उसके बारे में, और फाइनली लाइट के साथ साथ वी कैन ऑल्सो राइट एग्जाम्पल ऑफ फायर जो कि कुछ मामलों में कुछ पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में जब कभी बात की जाए, ऐसे फैक्टर्स जो कि मेनली किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें क्लाइमेटिक फैक्टर्स कह दिया गया है. एंड दीज द एग्जांपल्स आर रेनफॉल, आप चाहें तो इसकी जगह वाटर भी लिख सकते हैं, जी हाँ वाटर, टेम्परेचर, लाइट, लाइट को हमने शायद दो जगह लिख दिया, तो लाइट,
और ये तीन जो फैक्टर्स हैं इन्हें मेजर फैक्टर्स कह दिया जाता है। सो मेजर फैक्टर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर्स जो कि कहीं के भी क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट के क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ये है, दैट इज रेनफॉल और वाटर, टेम्परेचर एंड लाइट। ध्यान रखिएगा। अब अगर टोपोग्राफिक फैक्टर्स की बात की जाए तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स को फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। जब हम लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करेंगे, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब किसी रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जी हाँ, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ सर्टन टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स मतलब जनरली ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड या फिर स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, और डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि जनरली टोपोग्राफिक फैक्टर्स के तौर पर पढ़े जाते हैं। एडाफिक फैक्टर्स आर मेनली रिप्रेजेंटिंग द सॉइल। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉइल के बारे में। सो सॉइल को एडाफिक फैक्टर्स, या जब कभी भी आप सॉइल से रिलेटेड कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो उसे एडाफिक फैक्टर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉइल के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे, इट मे बी द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, पीएच ऑफ द सॉइल एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको जनरली हम पढ़ते हैं और ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर। तो अब ये जो भी हमने इंफॉर्मेशन लिखी है इस पूरी की पूरी स्लाइड पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। अगर आप देखें क्लाइमेटिक फैक्टर्स के तौर पर किन किन को पढ़ा जाता है तो ये लिस्ट है। उसी के अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर्स कहा जाता है, तो भी वो इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स को फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी कह दिया जाएगा। टोपोग्राफिक मतलब जो जमीनी बनावट है वो किस प्रकार से किसी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करती है, ये बात यहां पर समझी जाएगी। और एडाफिक फैक्टर से हमारा मतलब है कि किसी भी जगह के जो भी वेजिटेशन होंगे, जो भी कुछ ऐसे छोटे मोटे फैक्टर्स हैं विच इज मेनली रिलेटेड विद द वेजिटेशन, सो एडाफिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस क्या होता है इन सारी चीजों के ऊपर, वो समझा जाएगा। सो लाइकवाइज जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं और एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑन अ लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन और ऑन अ माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो ये वो सारी बातें हैं, इन्हीं सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है आने वाले डिस्कशंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। सो आगे जो भी बातें की जाएंगी, हम बात करेंगे हाउ दीज क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को। जब कभी भी बात की जाएगी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस की, तो कैसे टोपोग्राफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी बातें की जाएंगी। क्या क्या बातें की जाएंगी, एक बार के लिए मैं आपको ये सब फटाफट दिखा देता हूं कि हम बात करेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये सारी बातें की जाएंगी, राइट। ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे इन्फ्लुएंस करती है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा। लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में कई सारी बातें की जाएंगी, राइट तो बहुत सारा कुछ डिस्कशन करना है। आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसी के साथ साथ अभी आपका जो किताब जीतने वाला क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करना है, राइट किताब जीतने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अभी किसी ने मुझे बताया था कि बायोस्फीयर एग्जैक्टली इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए बायोस्फीयर इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब उसके अंदर ये वाला पोर्शन भी प्रेजेंट हो, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जाहिर सी बात है सारे लोगों ने सही आंसर दिया कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन आपके लिए है और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बायोस्फीयर, सॉरी ये तो हो गया, बायोस्फीयर वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, एडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी हमने बात की एडाफिक फैक्टर्स का मतलब हमें क्या समझना है, क्या याद रखना है। एडाफिक फैक्टर्स से सिंपल सा मतलब है हम सॉइल या सॉइल से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। इट मे बी द पार्टिकल साइज, इट मे बी द पीएच ऑफ सॉइल, इट मे बी द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ अ सॉइल। बहुत अच्छे। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी बातें डिस्कस करनी है, राइट। पीएच से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस करना है। फिलहाल शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिंपली डिपेंड करता है हाउ द पीएच कैन इन्फ्लुएंस द सर्टन कंडीशंस ऑफ अ सॉइल। कि अगर पीएच जो है वो वैरी करे, डिफरेंट करे, एसिडिक हो जाए या ज्यादा अल्कलाइन हो जाए, तो कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी प्लेस के वेजिटेशन को। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आज के लिए नहीं था, तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा कि हम आगे बात करने ही वाले हैं। सॉइल की पीएच अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, मतलब या तो हाईली अल्कलाइन हो जाए या तो हाईली एसिडिक हो जाए, तो सॉल्युबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। आगे की बातें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाला, जब हम सॉइल पीएच से इंट्रोड्यूस करेंगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात की जाएगी कि कैसे सॉल्युबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर देता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें। जी हाँ, क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन से मतलब रेनफॉल है, टेम्परेचर क्या है बता दिया, लाइट बता दिया मैंने, ये सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी? ये सारी की सारी चीजें व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। जी हाँ, टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जो हीट प्रेजेंट है उसी की वजह से है। लाइट वाला जो पोर्शन है वो भी एटमॉस्फेयर में, जो भी रेज हैं वो भी एटमॉस्फेयर में ही है। प्रेसिपिटेशन मतलब जो बरसात होती है वो भी जमीन के नीचे तो नहीं होती, जाहिर सी बात है। एटमॉस्फेयर में एडाफिक फैक्टर वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा, उसका तो अलग ही है, लिथोस्फीयर कह दिया जाता है, राइट। सो लिथोस्फीयर कह दिया जाता है, आंसर यहां पर थर्ड होगा, राइट। 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, आंसर क्या होने वाला है? आंसर क्या होगा? 3। आगे बढ़ते हैं और अब ये सारी बातें क्योंकि हमें बाद में करनी है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि ध्यान रखें कि आगे
जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हमें डिस्कस करना है, दैट इज ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, ये कैसे इन्फ्लुएंस होती है बिकॉज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशन और बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स. और अब बात होगी थोड़ी सी ज्ञान की, ठीक है. तो ज्ञान की बात वाला जो सेशन है उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी है जिसको यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करें डिस्कस करने की ज्ञान की बात. आज की जो ज्ञान की बात है वो एग्जैक्टली क्या है? आज की जो ज्ञान की बात है वो है स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड. ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो सबसे ज्यादा मुश्किलों वाली होती है. कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो लाइफ है या स्टूडेंट लाइफ का जो फेज है वो थोड़ा सा एक मुश्किल फेज है. तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज लिटिल बिट स्ट्रगलिंग लाइफ. मैं तो सहमत करता हूं, आप क्या सहमति रखते हैं एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर हम शुरुआत करें स्टोरी क्या है. सो स्ट्रगलिंग कैसे है, क्यों है, ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं अपने लाइफ के अंदर. डेफिनेटली मैं भी कभी स्टूडेंट था और मैंने भी ये सारी चीजें अपने लाइफ में फेस की हैं. अब स्टोरी क्या है ये समझिएगा. हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे दो स्टूडेंट्स की जो कि एक बेहतर परिवार से थे. ध्यान रखिएगा स्टोरी शुरू हो चुकी है. जी हाँ, स्ट्रगलिंग होती है और इस स्ट्रगल को कैसे हम लोग पार कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुली इसको क्रॉस किया जा सकता है, इसी चीज़ों को समझाने के लिए ये स्टोरीज होंगी. जी हाँ, बहुत बहुत लोग जो हैं बता रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो दुखी हैं. जी हाँ, सारे लोग कह रहे हैं हम एग्री हैं, एग्री हैं. सही बात है, सही बात है. आई हैव क्लियर नेट बट नॉट JRF, ये भी एक दुख की बात है. सही बात है. तब ज़रा समझें, इसी चीज़ का आंसर शायद आपको आज इस छोटे से ज्ञान की बात से मिल जाए. तो इस स्टोरी के अंदर हम बात कर रहे हैं दो स्टूडेंट्स की, वो दो स्टूडेंट्स जो कि आपकी आपकी ही तरह CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे थे, और एक बहुत ही ठीक ठाक परिवार से, ऐसे परिवार से जहां पर हर एक सुविधाएं उनको जो है मिल पा रही थी उनके पेरेंट्स द्वारा. ऐसे दो स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है. दोनों स्टूडेंट एक ही फैमिली के नहीं है, दो अलग अलग फैमिली के हैं, पड़ोसी गाँव के हैं, लेकिन उन दोनों की जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ठीक ठाक है. दोनों पढ़ने में भी ठीक ठाक है, अच्छे स्टूडेंट हैं. उन्होंने अपने आसपास के यूनिवर्सिटीज़ में से BSc कंप्लीट कर ली, MSc कंप्लीट कर ली, और वो जोधपुर चले आए अपनी JRF की प्रिपरेशन करने के लिए. ठीक, जोधपुर आने के बाद जो प्रोसीजर होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपको वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहां कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा आलीशान ऑफिस होगा या ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां जाने के बाद आपको लाइन लगा करके एडमिशन लेना है और ऐसी सारी चीज़ें. हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, आज भी वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये दोनों स्टूडेंट वहां पहुंचे और दोनों स्टूडेंट्स ने वहां एडमिशन ले लिया. एडमिशन लेने के बाद उसी दिन उन्हें एक कमरा दिखा दिया गया जहां उन्हें अब आगे 6 महीने रहना था, रहते हुए अपनी तैयारी करनी थी और अपने एम को अचीव करना था. तो इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर हम कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट 1 है और कोई एक स्टूडेंट 2 है. ये दोनों जोधपुर पहुंच गए, एडमिशन ले लिया और कमरे भी इनको मिल चुके हैं. और अब इनका जो पूरा का पूरा रूटीन था वो क्या था, ध्यान से समझिएगा, यही सबसे जरूरी पार्ट है इस पूरी की पूरी स्टोरी का. तो रूटीन कुछ इस प्रकार से कि पहला वाला जो स्टूडेंट है, ये वाला फर्स्ट स्टूडेंट, हो सकता है ये कलर आपको दिखाई ना दे रहा हो, कलर चेंज कर लेते हैं. सो जो पहला वाला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, ये सुबह 6 बजे उठ जाता था. सुबह 6 बजे उठ करके अपनी जो भी दिनचर्या है वो शुरू कर देता था. लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है ये थोड़ा सा आराम से, क्योंकि अभी लेक्चर शुरू नहीं हुए हैं, पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, तो इतनी क्या जल्दी, इतनी क्या घाई, वो आराम से 9 बजे 10 बजे उठ रहा है क्योंकि अभी तो लेक्चर शुरू नहीं हुए.
और अपनी दिनचर्या जो है वो थोड़ी देरी से शुरू कर रहा था। पहले वाले स्टूडेंट जब जैसे ही लेक्चर शुरू हो गए, जो रूटीन था वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से, पहले वाला स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले उठ जाता था, 5 बजे सुबह उठ जाना, पढ़ाए हुए लेक्चर को रिवाइज कर लेना, रिवाइज करके अगले लेक्चर के लिए क्या पढ़ाया जा सकता है उसके बारे में थोड़े से नोट्स देख लेना, और फिर पूरी तैयारी से माइंडसेट के साथ कहां पर पहुंच जाता था, क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम के अंदर पहुंचने के बाद लेक्चर्स होते थे, सर 2-2.5 घंटे लगातार पढ़ाते थे, और दोनों ही स्टूडेंट जो हैं वो दोनों ही एक साथ एक ही बेंच पर बैठ रहे हैं, दोनों ही एक साथ लेक्चर को सुन रहे हैं, और इस प्रकार से लेक्चर का जो समय है वो 2-2.5 घंटे का हो जाता है। ये दोनों घर जाते हैं, घर जाने के बाद जो खाना खाने का प्रोग्राम है वो हो जाता है, और जो दूसरा स्टूडेंट है, क्योंकि 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद अब वो थक चुका है, उसे ऐसा लगता है कि अब वो थक चुका है तो 1-2 घंटे आराम करेगा। जो पहला वाला स्टूडेंट है वो भी कुछ समय आराम के बाद अपने नोट्स बनाने की तैयारी शुरू कर देता है, लेक्चर को रिवाइंड करके सुनने की कोशिश शुरू कर देता है, नोट्स बनाने की प्रोसेस शुरू कर देता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा देरी से ही यही सारी चीजें कर रहा है। तो दोनों ही साथ आए, दोनों का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सेम था, दोनों का जो भी कॉलेज और बाकी सारी चीजें थी वो काफी हद तक सेम थी, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, ध्यान से देखिएगा कि पहला वाला प्रॉपर लेक्चर अटेंड कर रहा है, समय से उठ रहा है, रिवाइज कर रहा है, सारी चीजें प्रॉपर टाइम पर हो रही हैं, जबकि सेकेंड वाला थोड़ा सा आराम से। ठीक, तो सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह जल्दी उठ करके अपने नोट्स को फटाफट रिवाइज कर लेना, नए नोट्स बना लेना, ये सारी चीजें रोज चलने लगी। अब एक और छोटी सी जो कंडीशन या एक छोटी सी प्रॉब्लम जो वहां पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि मैं भी वहां पर जा चुका हूं, मैंने भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो ये है कि फूड जो है, जो खाना है, क्योंकि टिफिन सर्विसेज के थ्रू खाना मिलता है तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ऐसा मिल जाता है कि आप खा करके जिंदा तो रह सकते हैं। तो पहले वाले स्टूडेंट का कोई ऐसा स्पेशल डिमांड नहीं था, वो आसानी से जो भी फूड मिल रहा था आधे पेट कभी भर पेट खा करके अपना गुजारा कर लेता था, अपनी तैयारी चालू रखता था। लेकिन सेकेंड स्टूडेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि उसने अभी तक इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था, एक तरीके से फूड लविंग कह सकते हो कि खाना जो है ज़्यादा पसंद करने वाला एक स्टूडेंट था, ऐसे कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं स्टूडेंट टू के साथ। तो पहली चीज ये कि इररेगुलरिटी है डेली शेड्यूल के अंदर, और दूसरी चीज ये कि जो भी फूड वहां मिल रहा है वो भी शायद इसके मन पसंद वाला नहीं था। जी हाँ, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। लेक्चर्स में जाने के बाद सर ने जो भी टॉपिक्स पढ़ाने शुरू किए, इस दूसरे वाले स्टूडेंट ने उन सारे टॉपिक्स को ध्यान से न सुनते हुए आगे क्या पढ़ाया जाएगा उन सारी चीजों पर फोकस किया, आगे सर क्या बोलने वाले हैं या जो बोलने वाले हैं उसमें क्या जो है चीजें अगले वाले इसमें आ जाएंगी, थोड़ी सी कह सकते हैं कि जो चल रहा है उससे हट करके सोचने वाला एक स्टूडेंट है स्टूडेंट टू। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट वन पूरी तरीके से फोकस्ड है, जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो भी बातें पढ़ाई जा रही हैं, हर एक लाइन पर उसका पूरा ध्यान है, हर एक चीज को नोट डाउन करता जा रहा है, ये है स्टूडेंट नंबर वन। ठीक, और इस तरीके से जो जो लेक्चर्स हुए, जो जो चीजें हुई, प्रॉपर रूटीन से हर एक चीज के साथ जो स्टूडेंट वन है उसे फॉलो करता गया, स्टूडेंट टू ने उन चीजों में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां ढूंढनी शुरू रखी, अपने रूटीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, और लास्ट वाले टाइम में जब ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स कंप्लीट होने वाले थे तो बात आई ये कि पढ़ तो लिया है इतना सारा, रिवाइज कैसे करूं, नोट्स जो हैं उनको याद कैसे रखूं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली इस वजह से सुनाई जा रही है क्योंकि यही प्रॉब्लम हर एक बच्चे के साथ होती है, ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो जिस काम के लिए आया है उस काम के अंदर हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां वो अपनी लाइफ में करता जाए, और हो सकता है कि अंतिम में वही गलतियां उसे सबसे ज्यादा भारी पड़ जाएं। एक विद्यार्थी का जो सही मायने का लक्षण होता है अगर उसको बताना हो तो ये एक लाइन है जो इस बात को सबसे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती है। हमारे शिक्षकों ने
हमारे समय पर ये लाइन हमें सुना सुना कर तैयार कर दिया था कि एक जो सही स्टूडेंट होता है, एक जो पंक्चुअल स्टूडेंट होता है, उसकी जो फीचर्स या हम कह सकते हैं लक्षण जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा स्वाध्यायी अल्पहारी विद्यार्थिम पंचलक्षणम। मतलब ये है कि विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वह सही मायने में विद्यार्थी है तो उसके ये पांच लक्षण उसमें होने चाहिए। अगर ये पांच लक्षण उसमें प्रेजेंट है तो वो सही मायने में विद्यार्थी है और किसी भी एग्जाम को, किसी भी बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर सकता है। क्या मतलब है काग चेष्टा? काग का मतलब है कौवे के समान इच्छा हो, तृप्ति ना आए जल्दी से, जल्दी जितना पढ़े उसे लगे और पढ़ना है, जितना नोट्स बनाए उसे लगता है और नोट्स बनाने हैं, और ज्यादा सर्क से सीखना है, इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा जो है सीमित नहीं होनी चाहिए कि इतना पढ़ लिया काफी है अब बाकी कल पढ़ेंगे, जी नहीं। ये सबसे पहला फीचर है काग चेष्टा, मतलब कौवे के समान इच्छा जो है वो हमेशा आपकी जागृत रहे। बकुत ध्यानम का मतलब होता है बगुले के समान तीव्र जो है लक्ष्य के ऊपर ध्यान होना चाहिए, कि जो बगुला होता है पानी के नीचे तैरती हुई मछली को देख करके उसके ऊपर ध्यान लगाए रहता है और जैसे ही मौका मिलता है उसे ग्रैब कर लेता है। इसी प्रकार का जो दूसरा फीचर है वो होता है स्टूडेंट का कि अपने एम पर ध्यान हमेशा डटा रहे और जैसे ही एम नजदीक आता हुआ दिखे उसे जल्द से जल्द क्या कर ले, ग्रैब कर ले, ध्यान रखे। दूसरा फीचर ये है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब वही कि भाई समय से सोएं, उतना ही सोएं जितना जरूरत है। स्वान निद्रा का अर्थ है कुत्ते के समान सोना। कुत्ते के समान सोना का क्या मीनिंग है? जैसे कुत्ता घर में अगर थोड़ी सी भी आहट हो तो उठ के बैठ जाता है, कुछ इसी प्रकार का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो विद्यार्थियों का होना चाहिए। जैसे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट गड़बड़ाता हुआ लगे, सोते समय भी हमारे दिमाग में चल रही होती है बातें, उठ के बैठ जाए, एक बार फिर से नोट्स को उठा करके देख ले, छह महीने ये चीज कर लो, गारंटीड है एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे। फिर बात आती है स्वाध्यायी। स्वाध्यायी मतलब खुद से पढ़े, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहे और अपनी जो भी चीजें हैं डेली शेड्यूल है वो फॉलो करता रहे। एंड फाइनली अल्पहारी। अल्पहारी मतलब जो मिले खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, मतलब एक साथ में भर पेट खाने पर नींद आ जाएगी, सारा का सारा ब्लड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हो सकता है मूव कर दिया जाए, ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको नींद आनी शुरू हो जाए, दिमाग की तरफ ब्लड की सप्लाई अगर कम होगी नींद आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा खाएं और कुछ गैप पर खाते रहें, सो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपको नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं होगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ पाओगे। और यही कुछ पाँच लक्षण हैं एक विद्यार्थी के, ठीक है? तो इन पांच लक्षणों को ध्यान रखें और डेफिनेटली अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आप में ये सारे गुण हैं, तो एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण है ये और डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर एम है वो बहुत ही जल्द अचीव कर लोगे। अब क्वेश्चन की बारी आ गई है कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि यहां पर हमें पूछना है आपसे और उसके हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही आप अच्छे से एक्सप्लेन करके ईमेल में हमें भेजोगे तो आपको यस इनमें से कोई भी किताब, जो भी किताबें मैंने दिखाई थी यहाँ पर, एनिमल फिजियोलॉजी सेट लाइफ साइंस, जी हाँ ये सारी किताबें, इनमें से कोई भी किताब आप जो है आसानी से पा सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है जो कि मुझे पूछना था, तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम यहां पर पूछने जा रहे हैं, दैट इज हीट डोम। आजकल बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में, इकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। हीट डोम का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। हीट डोम का मतलब है कि कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर गर्मी जो है अचानक से बहुत ज्यादा हो चुकी है, अप्रोक्सीमेट अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है और इस वजह से हाइपर
थर्मिया वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, बहुत लोगों की डेथ हो रही है। इस टर्मिनोलॉजी को, इस कंडीशन को, इस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से जो बच्चा एक्सप्लेन करेगा और हम तक शेयर करेगा, उस स्टूडेंट को मिलेगा इनमें से कोई भी मनचाहा किताब। तो आपके जो क्वेश्चन है इस बार का, इस लेक्चर का, वो है हीट डोम क्या है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें, जो सबसे बेस्ट तरीके से हीट डोम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा, और ईमेल करेगा कौन से ईमेल आईडी के ऊपर, तो ifsonline.com या onlineifs.com, ध्यान रखिए onlineifs.com, इसके ऊपर ईमेल करना है आपके आंसर्स को, और जो सबसे बेस्ट आंसर लिखेगा उसके आंसर को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, अगले लेक्चर में डिस्प्ले किया जाएगा, विनर को अनाउंस किया जाएगा, उसके मन मुताबिक उसको किताब जो है आईएफएस की तरफ से भेज दी जाएगी। सो इस प्रकार से आज के सेशन को मुझे लगता है कि यहीं पर खत्म करना चाहिए। ध्यान रखिए आज हमने बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं की, एक तरीके से बहुत सारा कुछ जो आपको बताना था वो सब बताने की कोशिश की गई है, एंड डेफिनेटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगले वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, सो देर ना करें, कल के दिन टाइम से सेशन को ज्वाइन करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।